हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल नागर और आज हम बात करेंगे अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम कहाँ यूज होती है, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है एक बहुत ही बढ़िया दवाई है घबराहट के लिए। अगर किसी को घबराहट होती है या किसी को एंजाइटी होती है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम उस परेशानी के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है। लेकिन इसके लिए हमारे सिम्टम्स और पूरी ओवरऑल पिक्चर जो है ड्रग पिक्चर उस पेशेंट से मैच करनी चाहिए। अगर हम जो है सिम्टम्स की बात करें, जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है वो एक ऐसी दवाई है दोस्तों जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही जल्दी घबरा जाता है, वो कोई भी जो काम करता है बहुत ही जल्दबाजी में करता है, बहुत ही हरेड मतलब कि हरेड बद तरीके से करता है, जो है हमेशा जो है एक तेजी में रहता है और जो है हमेशा एक घबराहट सी में रहता है। और इसके अलावा दोस्तों वो पेशेंट जिनको कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी काम परफॉर्म करने से पहले, कुछ भी वर्क परफॉर्म करने से पहले जो है घबराहट शुरू हो जाती है, कहीं पे स्पीच देनी है, कहीं पर जो है उनको जाना है या कहीं पे उन्हें कोई काम शुरू करना है, उससे पहले उन्हें जो है घबराहट शुरू हो जाए, उनको जो है परेशानी होनी शुरू हो जाए, पेट में गैस बननी शुरू हो जाए, उनको ऐसा लगे जैसे कि मुझे लैट्रिन जाना है, उनके जो है डायरिया लग जाए, उनको जो है दस्त लग जाए, डायरिया लग जाए, कुछ भी नया काम करने स्टार्ट होने से पहले उनको ऐसा फील होने लग जाए, तो ऐसे केसेस में जो है हम अर्जेंटम जो है नाइट्रिकम मेडिसिन दे सकते हैं। ऐसी घबराहट के लिए जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम जो पेशेंट होता है मेडिसिन जो होती है बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों घबराहट के वो केस जिसमें जो है डायरिया होने के बाद पेशेंट को आराम मिल जाता है और वो फिर जो है उस काम को ढंग से कर लेता है, वो कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी जो है वर्क कर रहा है, तो उस दौरान जो है उस वर्क को करते वक्त जो है हमेशा पेट में गुड़गुड़ महसूस होती है और या फिर जो है उसको जो है पेट में घबराहट महसूस होती है और उसको डायरिया हो जाता है। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको जो है जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं कोई खिड़की से देख रहा हूँ या ब्रिज पर खड़ा हूँ, उनको ब्रिज पे खड़ा हूँ तो उनको वहाँ से कूदने का मन करता है, उनको लगता है कि मैं वहाँ से कूद जाऊँ या मैं वहाँ से जो है जंप कर जाऊँ। ऐसे केसेस में जो है जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है, मतलब आत्महत्या करने की टेंडेंसी होती है, जंप खिड़की से देखते हैं तो उनको कूदने का मन करता है, ब्रिज पे देखते हैं कहीं ब्रिज पे जा रहे हैं, फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, वहां से उनको कूदने का मन करता है, तो ऐसे केस में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन सोच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट जो है जो बहुत ही ज़्यादा बंद जगहों पर, मतलब जैसे कि लिफ्ट है या जो पतली गली होती है या भीड़ भड़के वाले जो जगह होती है जहाँ बहुत ही कंजेस्टेड एरिया होते हैं, वहाँ पे जाने से पेशेंट को जो है दिक्कत होती हो, वहाँ पे जाने से पेशेंट को जो है परेशानी होती हो, उसको वहाँ जाने से घबराहट होती हो या पेशेंट वहाँ ना जा सके, एक तरीके से जो है पेशेंट क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट हो, लिफ्ट में जाने से उसको दिक्कत होती हो, तो ऐसे इसके लिए भी जो है हम पेशेंट को जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फर्दर बात करें तो अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट जो होता है वो कभी रास्ते में जा रहा है, वो बड़ी बिल्डिंग देखता है अपने आसपास या जो है वो कहीं रास्ते में चल रहा है, उसके आसपास अगर बड़ी बिल्डिंग होती है उसको ऐसा लगे कि ये बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर जाएंगी, ये बिल्डिंग मेरे ऊपर जो है गिर जाएंगी, मैं उनके नीचे दब जाऊंगा, इस तरीके से उसको लगे, तो ऐसे केसेस में भी जो है हम पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम एक बहुत ही अच्छी दवाई है सर दर्द के लिए। अगर किसी को गैस बनने से सर दर्द होता है, उसको जो है गैस बनने की वजह से बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है और साथ में उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है या उसको कोई मेंटल वर्क करने से ज़्यादा जो है उसको दिमागी काम करने से सर दर्द होता है या कुछ जो है मीठा खाने से, स्वीट खाने से, आइसक्रीम खाने से जो है पेशेंट को सर दर्द हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको बार बार डकारें आती हैं, उनको जो है गैस पास होती है, उनको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और जो है साथ में सर दर्द होता है, और जो सर दर्द होता है वो ज़्यादातर जो है आगे की तरफ माथे की तरफ या जो है साइड में टेम्पल रीजन में उनको सर दर्द होता है, तो ऐसे केस में जो है पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फर्दर बात करें, जो पेशेंट होता है ऐसे अर्जेंटम नाइट्रिकम का, वो उसको गले की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, उसको गला ख़राब हो जाना, गला लाल हो जाता हो, उसको जो है कुछ भी खाने में दर्द होता हो गले में, उसको सुई चुभती हो, गला लाल होता हो, तो ऐसे केस में जो है
हम पेशेंट को अजंतम नाइट्रिक का मेडिसिन दे सकते हैं। और ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब कि जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं जैसे कि टीचर्स हैं या जो नेता लोग हैं, ज़्यादा आवाज़ का यूज़ करने से, ज़्यादा बोलने से उनका गला ख़राब हो जाए और गला बिल्कुल जो है बोलने से उनकी आवाज़ भारी हो जाए, गला लाल हो जाए, गले में चुभन होती हो, तो ऐसे किसी में जो है अजंतम नाइट्रिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है और पेशेंट को ठीक कर देती है। इसके अलावा दोस्तों जो गले के अलावा पेशेंट का जो है कंजक्टिवाइटिस की किसी को दिक्कत हो जाए, किसी को आंखें लाल हो जाए, कंजक्टिवाइटिस हो जाए, उसमें से उनको जो है म्यूकस निकले या उसमें से पाइप डिस्चार्ज निकल रहा हो और आंखें लाल हों पेशेंट की, तो ऐसे केस में जो है अजंतम नाइट्रिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके अलावा दोस्तों जो लोगों को मीठा खाने से बहुत ज़्यादा गैस बन जाती हो या उन लोगों को जो है मीठा खाने से पेट खराब हो जाता हो, डायरिया हो जाता हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाता हो मीठा खाने की वजह से, ऐसे केस में जो है अजंतम नाइट्रिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। पेशेंट को जो है मीठा खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, टकारें आने लगती है, डायरिया हो जाता है, तो ऐसे केस में जो है जिनको मीठे से दिक्कत हो, ऐसे केस में अजंतम नाइट्रिकम जो है बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों हमने जो आज बात की है, हमने जो है अजंतम नाइट्रिकम मेडिसिन के बारे में बात की है, तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जरूर जवाब जरूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।